Good morning, children. Today we are going to do the complete Hindi revision. So, बच्चों आज मैम हिंदी कंप्लीट हिंदी रिवीजन नोटबुक में हम करने वाले हैं. देखिए, अ से अह तक स्वर लिखिए. आपको क्या करना है, इसमें अ से अह तक कंप्लीट स्वर लिखना है एक पेज में. नेक्स्ट देखेंगे हम, चित्र को सही स्वर से मिलाइए. आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट आपको इस तरह से ड्रॉ करवा के ले लेना है पेरेंट से चित्र और उनके सामने स्वर. फिर आपको मैच करना है, चित्र को सही स्वर से मिलाना है. देखिए ये चित्र, ये है आम, आम का चित्र, आ से आम. तो हमें यहाँ पर स्वर देखना है, आ कहाँ पर है. देखिए ये है आ, तो हमें आ से आम इस तरह से मैच करना है. ये है चित्र इमली, इमली छोटी ई से इमली. देखिए यहाँ पर है स्वर इमली का ई, तो ई से हम इमली को इस तरह से मैच कर देंगे. अ से अनानास, अ से अनानास. देखिए यहाँ पे स्वर अ कहाँ है, ये है अ, अ से अनानास इस तरह से हम मैच कर देंगे. उपहार, ऊ से उपहार, छोटी ऊ से उपहार, ये है ऊ, इस तरह से स्वर को हम चित्र से मैच कर देंगे. एड़ी, देखिए ये हमारा ये पैर है और यहाँ पर जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं एड़ी, ए से एड़ी. यहाँ पर है स्वर ए, ए को हम इस तरह से उसके चित्र के सामने मैच कर देंगे. ऐलान, ये है ऐलान का चित्र, स्पीकर बना हुआ, देखिए इसे हम कहते हैं ऐलान, ए से ऐलान. यहाँ पे स्वर देखेंगे, ए कहाँ है, देखिए ये है ए, तो हम इस तरह से स्वर को उसके चित्र के सामने मैच कर देंगे. ईक, बड़ी ई से ईक, तो हम इस तरह से बड़ी ई को ईक से मैच कर देंगे. ये है चित्र ऊन, बड़ी ऊ से ऊन. यहाँ पर देखेंगे बड़ी ऊ कहाँ है, देखिए ये है बड़ी ऊ, इस तरह से हम बड़ी ऊ से ऊन में मैचिंग कर देंगे. ये है चित्र अंगूठी, अंग से अंगूठी. यहाँ पर देखेंगे अंग कहाँ है स्वर, देखिए ये है अंग, तो हम इस तरह से अंग से अंगूठी इस तरह से मैच कर देंगे. ये है चित्र औरत, औ से औरत. यहाँ पर है स्वर औ, औ से औरत इस तरह से हम चित्र के सामने मैच कर देंगे. अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा, सही स्वर पर गोला लगाइए. आपको ये देखना है ये कौन सा चित्र है, ऊन, ऊन, बड़ी ऊ से ऊन. देखिए स्वर कहाँ है बड़ी ऊ, ये है बड़ी ऊ, ऊ औ ऊ, तो हम इसमें बड़ी ऊ से ऊन, बड़ी ऊ से ऊन इस तरह से हमें मैच करना है. ये है चित्र ओखली, ओ से ओखली. देखिए ये है अंग ओ, ओ से ओखली, तो हम इस तरह से ओ में गोला लगा देंगे. ऐनक, ए से ऐनक. यहाँ पर दो स्वर दिया गया है ए और ई, ए से ऐनक, तो हम स्वर ए में इस तरह से गोला लगा देंगे. उल्लू, छोटी ऊ से उल्लू. यहाँ पर दो स्वर दिए गए हैं ऊ और ई, तो छोटी ऊ से उल्लू, हम इस तरह से ऊ स्वर में गोला लगा देंगे. ये है चित्र अंगूर, अंग से अंगूर, अंग अ, देखिए यहाँ पर दो स्वर है अंग अ, तो अंग से अंगूर इस तरह से हम अंग स्वर में गोला लगा देंगे. नेक्स्ट देखिए, चित्र देखकर उनके नाम से शुरू होने वाले वर्ण से मिलाए. यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और नीचे वर्ण दिए गए हैं, हमें चित्र को उनके वर्ण से मैच करना है. ये है चित्र, देखिए ऊन, यहाँ पर मैम ने ड्रॉ करके रखा है ऊन. देखेंगे हम ऊन कहाँ पे है, बड़ी ऊ से ऊन, यहाँ पे है बड़ी ऊ, इस तरह से हमें मैच कर देना है. ये है चित्र अजगर, अ से अजगर. यहाँ पे देखेंगे हम स्वर अ कहाँ है, ये है अवर्ण, अस्व स्वर वर्ण, देखिए इस तरह से हमने मैच कर दिया. ये है चित्र आलू, आ से आलू. देखेंगे आ स्वर कहाँ है, यहाँ पे आ स्वर वर्ण, तो हमें इस तरह से आलू में मैच कर देना है. ओखली, यह है चित्र ओखली का, ओ से ओखली. देखिए यहाँ पर है ओ, इस तरह से हम ओ को ओखली में इस तरह से मैच कर देंगे. यह है ईक, चित्र है ईक, बड़ी ई से ईक,
यहाँ पर हम देखेंगे बड़ी ई कहाँ है, देखो यहाँ पर है बड़ी, तो हमें इस तरह से मैच कर देना है बड़ी ई से ई। इस तरह से बच्चों आपको ये हिंदी कंप्लीट प्रैक्टिस करना है, आपके नोटबुक में लिखना है और रिवीजन करना है। ओके चिल्ड्रन, बाय।